आईपीएल 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर एक बार धमाकेदार अंदाज में आगाज कर दिया है। पहली बार ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीत दर्ज कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपोक स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को 63 रनों से करारी शिकस्त दी है। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के पास आईपीएल 2023 से मिली हार का बदला लेने का अच्छा मौका था, लेकिन बदकिस्मती से वह ऐसा नहीं कर सके। बता दें कि आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराकर खिताब जीता था। इसके बाद अब दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला था। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का टारगेट सेट किया था। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 8 विकेट गवाकर 143 रन ही बना सकी और मुकाबले को गवा दिया। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज़्यादा 37 रन बनाए, जबकि वृद्धिमान साह और डेविड मिलर ने 21-21 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात टाइटंस का कोई भी बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ नहीं सका और टीम ने मुकाबला गवा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट झटके, जबकि मथिसा पथिराना और डेरन मिचेल ने 1-1 विकेट लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार अच्छी बल्लेबाजी करती हुई दिखाई दी और 6 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए। टीम के लिए शुभम दुबे ने 23 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 51 रन जड़े। इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके भी लगाए। उनके अलावा रचिन रविंद्रा ने भी 20 गेंदों पर 46 रनों का शानदार पारी खेली। हालांकि राशिद खान की बॉल पर स्टंपिंग आउट हुए, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 86 रन बनाकर स्पेशल जॉनसन की बॉल पर कैच आउट हुए। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के लिए स्पिनर राशिद खान ने 2 विकेट झटके साई किशोर, मोहित शर्मा और स्पॉन्सर जॉनसन को 1-1 सफलताएं मिली। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने 2022 सीजन में दस्तक दी थी, तब उसने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहले ही सीजन जीत लिया था, जबकि दूसरे यानी 2023 सीजन में गुजरात टाइटंस को चेन्नई के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। इस तरह अब तक दोनों टीमें कुल 6 बार आमने सामने आई है, जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले जीती है। हालांकि गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में दस्तक देने के साथ ही शुरुआती 3 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को करारी शिकस्त दी थी, मगर महेंद्र सिंह धोनी के इस चेन्नई सुपर किंग ने दमदार प्रदर्शन किया और उसने शुरुआती 3 मैच हारने के बाद लगातार 3 मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम को पटखनी दी। इस तरह वह मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने गुजरात के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी पूरा कर ली है।